जब उनको लेने के लिए आए हैं विश्वामित्र दशरथ के पास, तो विश्वामित्र से दशरथ ने पूछा कि आप तो इतने तेजस्वी राजा ऋषि हैं, थोड़ा सा जल लेकर छिड़केंगे तो राक्षसों का नाश हो जाएगा, आप मेरे बेटे को क्यों ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र ने कहा, मैं ऋषि हूं, मुझे क्रोध वर्जित है, मैं क्रोध नहीं कर सकता। तुम्हारा लड़का मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, देवताओं में उत्तम नहीं, पुरुषों में उत्तम, इसलिए मैं उसे ले जाता हूं ताकि वो जो मुझे कराना है वो कर सके। दशरथ में फिर भी मोह है, राम में मोह नहीं है। दशरथ 7 बार राम का नाम लेकर प्राण छोड़ गए। भाई आप ही ने तो वरदान लिया था, आप ही के आदेश पर लड़का बाहर गया है, खुद को कंसोल करो, खुद को कन्विंस करो। लेकिन नहीं, मानस कहती है कि राम राम कह राम, राम कह राम, राम कह राम। क्या हुआ उसके बाद? भूप गयो सुरधाम, राजा भगवान के यहां चला गया। और इसके बाद भी दशरथ का लोभ बना रहा अपने बेटे को लेकर। जब रावण का वध कर लिया राम ने, तो आकाश में सब देवता आए, तो राम के पिता दशरथ भी आए, और मरने के बाद भी बेटे से प्रेम बना रहा। बताइए, राम ने देखा कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये जो मेरे पिता हैं ये कुछ ज्यादा भावुक हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, कांप रहे हैं, बड़े खुश हैं, फूल फेंक रहे हैं। राम को लगा कि इनके अंदर मोह रह गया, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कितनी अद्भुत पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है, ऐसा शायद ईश्वर, ऐसे बच्चे सबको दे ईश्वर, पिता दे ना दे ऐसा बच्चा सबको दे। अपने पिता को बड़ी कड़ी आंखों से देखा राम ने। गोस्वामी जी लिखे, चितई पितई दीनई दृढ़ धर्मा। पिता को थोड़ी कठोर दृष्टि से देखकर कहा कि भाई अब दिवंगत हो गए हो, अब मैं क्या आपका पुत्र और क्या आप मेरे पिता, अब आप इन देवताओं के साथ निर्मुक्त होकर रहिए। जो बंधा रहे वो मानव और जो मुक्त हो जाए वो देवता। इसीलिए राम चाहते हैं कि उनके पिता मुक्त हो जाए। राम वन जा रहे हैं, पूरी अयोध्या आंसुओं से भरी हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के लिए राम वन जा रहे हैं। अगर कभी समय मिले तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वो 3 पेज पढ़ना जहां कौशल्या अपने बेटे को समझा रही है, अद्भुत है। वो रोती जा रही है और समझा रही है। कौशल्या का स्वस्ति वाचन, गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंधु कौशल्या दिशि प्राची, प्राची दिशा पूरब दिशा जैसी मैं कौशल्या को प्रणाम करता हूं। क्यों? जिसकी कोख से ये सूर्य पैदा हुआ है। जबकि सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या स्वस्ति वाचन कहती है, भरा हुआ कंठ है, आंसू बह रहे हैं, और राम से कहती है कि हे राम, जंगल में प्रकृति तेरी सरीसृपों से रक्षा करे, सांपों से रक्षा करे। कहती है कि इंद्र तेरी रक्षा करे, मरुत तेरी रक्षा करे, वरुण तेरी रक्षा करे, और बेटा जो जो तेरी रक्षा करता रहेगा मैं रोज उसका यहां दीपक जलाऊंगी। लेकिन एक बात जो आखिर में कहती है, वही राम की मां हो सकती थी। और बेटा तू ये मत पूछना जंगल में और जहान में नगर में रास्ता कौन सा हो, तू जिसका प्रतीक है सत, उसी के रास्ते पर चलना। और फिर एक बात कहती है, और चिंता मत कर, जिस धर्म की तू रक्षा करता है वो धर्म तेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करता। तो राम तुम उसी मार्ग पर चलो जो सत हो, कल्याणकारी हो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे राम का निर्माण ऐसे परिवार के साथ हुआ है, उनके चारों तरफ जो परिजन हैं, जो उनके लोग हैं। राम के भाई भरत, जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम भरत पर बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। शत्रुघ्न पर तो कम ही बोला गया है, भरत पर सबसे कम बोला गया है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी, सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी,
लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूं तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले यार अभी तो गया ये और इसको लेने ही चल दिया, और राम भावुक भी है इसके प्रेम में वापस ना आ जाए। तो देवताओं ने सरस्वती को कहा कि तुम जरा बात कर दो। तो क्या कहती है सरस्वती? देवताओं से कहती है कि 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो तुम मूर्ख हो क्या? मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कहते हो भरत की मति फेर दूं। दुनिया में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूं, भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। भरत जब भैया को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को लेकर निकले। भरत ने कहा किसी की तो मान लेंगे, कौशल्या की मान लेंगे, ससुर को भी लेकर गए। जब पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे, भरद्वाज के आश्रम में, सुबह चलते समय भरत संकोच में थे तो भरद्वाज ने कहा कि राजन, क्योंकि राजा हो चुके थे, आपके चेहरे पर संकोच है। तो भरत ने डरते हुए कहा कि महर्षि मैं डरा हुआ हूं, मेरी मां ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी, मैं बाहर था। भरत को नहीं बताया गया था कि पिता दिवंगत हो गए, पता है आपको ये बात थी? भरत को संदेश भेजा गया था तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि पिता एक्सपायर कर गए, ये कहा गया था कोई इमरजेंसी है घर आओ। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का एक मंदिर था जहां इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी, मानधाता की, दिलीप की, रघु की, अज की, नहुष की। वहां भरत रास्ते में रुके अपनी सेना के साथ पूजन करने के लिए कि पूर्वजों का पूजन कर लूं, पुरखों का। पुरोहित ने हाथ में थाली दी तो पहले इसका पूजन प्रथु, जो सबसे पहले जिनके कारण ये पृथ्वी कहलाती है इनके घर के, फिर मानधाता का, फिर राजा बलि का जिन्होंने अपना मांस दे दिया था, रंतिदेव का। पूजन करते करते अज रघु दिलीप तक आए और जैसे ही उन्होंने अगली मूर्ति देखी तो देखी पिताजी की मूर्ति। तेज तो थे ही, उन्होंने पुरोहित की तरफ देखा कि ये क्या? पुरोहित की आंख में आंसू, उसने कहा कि महाराज नहीं रहे, और भरत के हाथ से थाली छूट गई। भरत ने कहा मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पिताजी दिवंगत हो गए, क्या हुआ था? बोले राम को वनवास मिल गया। भैया को वनवास क्यों मिल गया? आपकी मां ने मांग लिया। भरत घोड़ा दौड़ाते हुए अयोध्या तक पहुंचे रोते हुए। सोच के देखिए भरत जैसा भाई, भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते। जब हनुमान को गले लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण जैसे भैया हो मेरे, तुम मोहि प्रिय ही भरत संभाए। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। तो भरद्वाज से भरत ने पूछा कि भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना, मैंने इतनी बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जो भरत ने की नहीं उसके पश्चाताप में है भरत, मां ने इतनी गलती की मुझे माफ तो कर देंगे? भरद्वाज ने कहा हे राजन, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कितना प्रेम करते हैं या नहीं, लेकिन जब वो यहां से जा रहे थे और सुबह के समय उन्होंने गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन का मंत्र किया तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे कि मैं वनवास पे जा रहा हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन पुरोहित ने हाथ में जल दिया और जैसे ही पुरोहित के मंत्रों के बीच में निकला कि जम्बुद्वीपे भरत खंडे, और जैसे ही भरत सुना राम के हाथ से जल गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़े और हाय भरत चिल्लाने लगे, इतना प्रेम तुम्हें राम करते हैं। राम करुणा से भरे हुए हैं, इसीलिए करुणा निधि है। इसीलिए कहता हूं कि इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए, इस कहानी से स्ट्रेटेजी सीखिए, इस कहानी से ह्यूमन वैल्यूज सीखिए, फैमिली वैल्यूज सीखिए। और जो राजनीति में लोग काम करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि सदा जनता की भावनाएं ही सत्य नहीं होती,
इस देश का पहला लोकतंत्र का मानक गढ़ा राम ने, जिसने कहा कि जनता ही सदैव सत्य नहीं है, नीति सत्य है। मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा अब आपको। जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे, सब परेशान थे, हर आदमी उन्हें लौटाना चाहता था। अगर राम उसी दिन लौट आते तो सब खुश हो जाते, लेकिन राम ने जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान किया। जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आई। वन देवी ने पूछा कि आप मेरे यहां विश्राम करने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? तो राम ने क्या मांगा होगा सोचो। राम ने कहा कि हे वन देवी, बाकी सब ठीक है, निभा लेंगे, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसके कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके, अब कांटे हटाऊं ना हटाऊं इससे क्या? राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंख भिगोने के लिए काफी है। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, कांटे हटा। तो वन देवी को जिज्ञासा हुई। वन देवी ने कहा कि यथाज्ञा पयति महाराज, हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी मैं कर दूंगी, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है। क्या अयोध्या का राजा, अयोध्या की चतुरंगिणी सेनाओं का सेनापति दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टूट कर तो इंद्र का वज्र टूट जाता है, ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वन देवी ने कहा फिर क्यों हटा दूं? बोले परेशानी ये है कि जब उस रास्ते पर आएगा अगर एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा है। बिना चप्पलों के भरत चले, और जब चले तो भाई मृदु भूमि सकुच मन मन ही, भूमि भी संकोच से भर गई। कोमल चरण चलत बिनु पनही, कोमल चरण चलत बिनु पनही, भई मृदु भूमि सुकुच मन मनही। इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, पर जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे ये उन्हें स्वीकार नहीं। चित्रकूट में रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है। ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को इस जंगल तक लाया है मित्रों, तो आज इस पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या लंका ले जा सकता है। ये वो रात थी। मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है, जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई वो भी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि पता था कि बच जाएंगे, जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी, यही रात महत्वपूर्ण थी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ ससुर साहब सास सब आए हैं कि बस राम लौट चलो। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सब देख रहे थे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गूढ़ निधि जैसी।
जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, तब भगवान ने सबको बिठाकर पूछा, क्या सवाल पहला भरत जैसे आदमी से, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, इतनी दूर चल के आए हो, बताओ क्या चाहिए। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। एक बात पूछी कि बेटा बताओ क्यों आए हो, तो क्या बोले भरत, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सब मिल गया भैया, इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था, पिताजी मर गए मेरे कारण, आप जंगल में बैठे हो मेरे कारण, सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकल पहने हुए मेरे कारण, जिसके सर पर अयोध्या का राजमुकुट होना चाहिए था उसके सिर पर जटाजूट है मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। और मैं इसलिए भरत पर फिदा हूं कि भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। भरत अकेले हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मां की गलती है और वो प्रायश्चित कर रहे हैं। यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे? पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधी है। राम उस रात दो काम करते हैं, भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। उन्हें पता था कि अगर भरत लौट भी जाएगा तो जीवन भर मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएं पहुंची हैं, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम ऐसे थोड़ी है कि हायरर की नहीं जानते हो कि पहले अपनी बड़ी मां का प्रणाम करें, फिर सुमित्रा का प्रणाम करें, फिर कैकेयी का प्रणाम करें। उनको पता था कि कैकेयी के बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मिल लें जिसके बारे में आपकी अच्छी धारणा ना बन रही हो, तो आपकी धारणा बदलती है कि प्रधानमंत्री मिले थे, मुख्यमंत्री मिली थी, इसका मतलब अच्छा है। अगर ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर दें, वो तो राम है, उनको पता है कि कैकेयी की मनोदशा कैसी है। और कैकेयी खुद कहती भी है, कहती है बेटे मुझसे जो अपराध हुआ है वो किसी से नहीं हुआ है। कहते आते थे अभी सभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। क्या कहती हैं? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, लेकिन एक मात मांगती हूं राम तेरे दरबार में, छीने न भरत का किंतु मातृपद मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। सोचिए कैसा क्षण है, अपने ही बेटे को मांग रही है राम से, कैकेयी अपने बेटे के लिए कह रही है कि राम तू सबको सब देता है बेटा, मुझे सिर्फ इतना दे दे, मुझे रानी मत रहने दे, जंगल में रख ले, भरत की मां बनी रहो बस, इसी के लिए तो सब किया था। राम ने क्या कहा? हे अंब, ओ मेरी मां, हे अंब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। फिर राम को याद दिलाया कैकेयी ने कि बेटा तुझे याद है तू आधी रात उठ के भाग जाता था मेरा सपना देख के। कौशल्या से कहता कि मां मैंने छोटी मां का सपना देखा है, मुझे छोटी मां के पास छोड़ के आओ।
और तुझे गोदी में लेके कौशल्या मेरा दरवाजा खटखटाती थी, अरे ओ कोयल, ये तेरा कोयल का बच्चा जाग गया, रो रहा है तेरे लिए। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी, लो कुहकुनी ओ कोयल, लो कुहकुनी तेरा कुहक राम यह जागा, लो कुहकुनी अपना कुहक राम यह जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। होने पर बहुधा अर्ध रात्रि अंधेरी, राम ने क्या कहा, मैं वही राम तू वही के कई मेरी, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कौन 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य। कौशल्या से लेकर जनक तक सबका बहुमत राम को लौटाने का था, लेकिन राम नीति के साथ रहे, जनमत की उपेक्षा नहीं है। भरत जैसा भाई पाना, लक्ष्मण जैसा भाई पाना, कैसे कैसे चरित्र हैं भाई। एक भरत की पत्नी है मांडवी, उनका जिक्र नहीं होता। एक हमारी मां और है उर्मिला, उसका जिक्र नहीं होता। उर्मिला का कलेजा देखिए, मांडवी का कलेजा देखिए। जिस दिन लौटने के बाद भरत ने राज्य संभाल लिया, भाई की पादुकाएं रखकर सिंहासन पर, कौशल्या जाग रही थी, उन्होंने देखा कि ऊपर कोई घूम रहा है, कोई छाया घूम रही है महल में अंतःपुर में। तो वो ऊपर गई तो देखा मांडवी घूम रही थी, भरत की पत्नी। तो कौशल्या ने पूछा कि बेटा तू सोई नहीं? उसने कहा हां मां मैं अभी जाग रही हूं। भरत सो गया होगा बेटा, तो उसके कक्ष में चली जा। तो कौशल्या से मांडवी ने कहा कि मां वो तो है ही नहीं, यहां कहां गया? बोले उन्होंने कहा कि भैया जब तक जमीन पे सोएंगे, भैया जब तक जंगल में रहेंगे, मैं महल में नहीं रहूंगा। वो अयोध्या के बाहर जो नंदीग्राम दिखता है ना, वहां दूर, वहां उन्होंने कुटिया बना ली है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वहीं बना लिया, वहीं फाइल मंगाते हैं। तुझे नहीं ले गया? संकोच में पड़ी हुई मांडवी ने कहा, मां मैंने तो कहा था आप जंगल में अकेले कैसे रहेंगे कुटिया में, मैं सेवा कर दूंगी, ले चलो। उन्होंने कहा नहीं, भाभी राम भैया के साथ चली गई हैं, तीनों माओं को देखने के लिए कोई नहीं है, तुम यहीं रहो, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। कौशल्या ने कहा कि बेटा सो जा। बोले मां वो उनकी कुटिया दिख रही है, उसमें अभी दीपक जला हुआ है, यानी कि वो अभी काम कर रहे हैं, एक बार वो दीपक मंगल हो जाए, अंधकार हो जाए, तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी, ऐसी मान। इस मंच पर 3 दिन से मेरे पार्श्व में आशीर्वाद की मुद्रा में शेष नाग के प्रतिनिधि लक्ष्मण लाल खड़े हैं, उनके लिए पहली बार एक पंक्ति पढ़ रहा हूं उमाकांत जी की। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में हर आदमी की परछाई काली है, एक राम ही पृथ्वी पे आए जिनकी उजली परछाई है, जिसे लक्ष्मण कहते हैं। ये राम की उजली परछाई है,
बाबा ने अच्छी बात लिखी है, बारह से निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मेरा एक बड़ा प्रिय कवि है बच्चा, वो लखीमपुर से आगे एक गांव में रहता है, ज्ञान प्रकाश आकुल। ज्ञान ने छंद भेजा, रात सुनिएगा। चारों बच्चे पैदा हुए थोड़े थोड़े अंतर पर, पालने में लिटाए गए कि पालने में लखन वे राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम तो लेटते ही चुप हो गए, हल्का सा पालना हिला। वशिष्ठ खड़े हैं, दशरथ खड़े हैं, माएं खड़ी हैं, मंगल स्वस्ति चल रहा है, दृश्य सोचिए कैसा है कि पालने में लखन वे राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। बहुत रोए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सका तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। और लक्ष्मण कैसे चुप हुए रोते हुए, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। और वो नोएडा वाले, मैंने परसों बताए थे आपको कि कुमार जी अपने अपने राम करानी है, इनका क्या हो गया, और छोटे भाई से मुकदमा चल रहा था जमीन का, वो जीत गया। वाह, राम की कहानी सुनेंगे भाई पर मुकदमा करके। नैतिकता को कोई कुआं भी ना मिले जिसमें डूब के मर जाए। दूसरी मां हमारी मां सुमित्रा। लक्ष्मण पूछने के लिए गए कि मां मैं अयोध्या में रहूं या भैया जंगल जा रहे हैं उनके साथ चला जाऊं। तो मां ने क्या कहा, अयोध्या? कौन सी अयोध्या? जो पे राम सिया वन जाई। सुमित्रा जैसी मां, लक्ष्मण जैसा प्यारा सा बच्चा, कहती है बेटा जो पे राम सिया वन जाई, अवध तुम्हार काम का चुनाई। अवध में तुम्हारा क्या काम है? जहां राम है वहीं अयोध्या है, अवध तुम्हार काम का चुनाई। और राम तो फिर भी हमारी मां के साथ है, सीता के एक सत्संग है, एक स्नेह की डोर है। माना कि गृहस्थ में नहीं है, तपस्या का जीवन है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की सुन तो रहे हैं। और यहां पति पत्नी बैठे हो तो वो इस बात को महसूस करेंगे जो 20 वर्ष 25 वर्ष बिता चुके हैं। एक समय आता है जब आपका कोई प्रेम का बहुत ज्यादा डोर नहीं होती, एक दूसरे के साहचर्य की होती है कि रहनी चाहिए यहीं। और पति को भी लगता है ये रहनी चाहिए और पत्नी को भी लगता है कि रहना चाहिए। हमारे महेश्वर तिवारी ने पंक्ति लिखी है, इस हॉल में बैठी सारी भाभियों को और माओं को समर्पित करता हूं, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। राम के साथ तो फिर भी सीता है। हमारी माता उर्मिला तो अकेली है, उनसे तो पूछा भी नहीं गया है कि अनुमति ली जाए कि नहीं ली जाए। एक दृश्य है चित्रकूट में, जहां पहली बार उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति आई हैं अपनी सास के साथ राम को मनाने। तो सीता तो बड़ी बहन है, बड़ी बहनें छोटी बहनों का हित समझती हैं। लड़कियों में होता है कि छोटी की बात समझ लेती हैं, माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही कर देती हैं। सीता समझ गई कि उर्मिला आई है और संकोच में अपने पति से मिल भी नहीं रही है, और लक्ष्मण इतना संकोची है कि मिलेगा भी नहीं उर्मिला से। तो भाभी ने बुला के कहा कि बेटा इधर आओ। लक्ष्मण ने कहा जी भाभी, वो मेरी कुटिया में बेटा फूलों की डाली रखी है, वो जरा डाली उठा लाओ, माला बनानी है देवताओं के लिए। उनको पता है कि उनकी कुटिया में उर्मिला बैठी है,
उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे। उत्साह में भरे हुए लक्ष्मण के भाभी का काम करने जा रहा हूं, खटखट 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 पहुंचे। जैसे ही झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुसे, देखा और मिला। सोच के देखिए क्या बीती होगी, जिससे बिना बात किए चले आए, जिससे बिना अनुमति लिए चले आए, सप्तपेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपथ खाई थी कि तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, राम के अनुराग में जिसे छोड़कर चले आए वो उर्मिला, और जिसने अपनी बड़ी बहन सीता को आदर्श माना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं, वो लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सामने आए होंगे। उर्मिला खड़ी हुई, मुस्कुराई, रोई नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खड़ी हुई और मुस्कुराई, और मुस्कुराकर क्या बोली, मेरे उपवन के हरिण, मेरे बाग के हिरण, क्या बढ़िया बात कही है कलकत्ता वालों, मेरे बाग के हिरण, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, मेरा हिरण आजकल जंगल घूम रहा है। और अगली पंक्ति क्या बोली, इस पर आप माता और मेला को याद करना, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी, छोड़ो डरो मत, मैं तो देखने आई हूं कि मेरे उपवन में जो हिरण खेलता था वो जंगल में कैसा कूद रहा है, उनका मन बड़ा कर रही है। और लक्ष्मण ने भी कितनी अद्भुत बात कही, लक्ष्मण ने कहा कि तुम मेरी केवल पत्नी नहीं हो, इस पर भी लक्ष्मण को तारीफ देना, आशीर्वाद लेना उनसे कि हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भाभी की बहिना तुम केवल पत्नी नहीं हो, तुम जगत जननी भारतेश्वरी सीता की छोटी बहन हो, उनके योग्य वर हैं राम, त्रैलोक्य का स्वामी तो ऐसी ही पत्नी से साथ वरता, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं इतना योग्य हूं या नहीं हूं कि मैं जगत जननी की छोटी बहन का पति बन सकूं, मैं उस योग्य बनने के लिए जंगल में आया हूं आज ताकि मैं तेरे योग्य बनूं। भाभी की भगनी तुम केवल अर्थ नहीं मेरे उपभोग, तपने दो वन में कुछ मुझको, बनने दो केवल निज योग्य, मुझे थोड़ी तपस्या करने दो अपने लायक बनने, तुम तो कौन हो, मेरी पत्नी थोड़ी हो तुम पहले सीता की बहन हो खानदान, और मैं केवल राम के पीछे चलने वाला एक लड़का, मुझे इस लायक तो बनने दो कि सीता माता किसी को परिचय कराएं और कहें कि ये मेरी छोटी बहन का पति है, ऐसी योग्य तो बनने। और लोग भी कैसे कैसे, भाई छोड़िए, पत्नी छोड़िए, पिता छोड़िए, माता छोड़िए, शत्रु भी कैसा भाई, इस कहानी का तो विलेन भी कितना खूबसूरत है, कितना कमाल का विलेन है, उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, पुलस्त का नाती है भगवान शंकर का अनन्य भक्त दशक ग्रीव, 10 सिर नहीं है उसके, ये सम्मित है, ये जो रामलीला में लगा देते हैं, 10 दिमागों के बराबर का IQ है, जिसके ऊपर 10 सिरों की कृपा चलती हो, 10 काम एक साथ करता हो, 10 तरह से सोचता हो, उसका नाम दशानन है, 10 सिर वाला है वो, 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं, शनि के ऊपर तो पैर रखे बैठा है, फिर भी राम से हार गया, क्यों हार गया कारण बताता हूं, राम इच्छाओं से मुक्त हैं और रावण इच्छाओं के पाश में बना हुआ, फिर जागना कि रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं, आपको पता है कि जब भगवान ने युद्ध शुरू किया तो पूजा की, राम ने कहा जामवंत से, जामवंत सबसे सीनियर हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पोते हैं, रावण के दादाजी के दोस्त हैं पुलस्त मुनि के, नाना के, कहा कि प्रभु महाराज जामवंत जी मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूं। जामवंत ने कहा करिए महाराज, तो बोले मेरे आराध्य तो शंकर हैं, शंकर राम की पूजा करते हैं और राम शंकर की पूजा करते हैं, इस कहानी से बड़ा समन्वय किसी का नहीं हो सकता,
जामवंत ने कहा पूजा कर लीजिए महाराज। बोले मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, शिव को मानने वाला, और मैं वैष्णव हूं तो वैष्णव भी हो। उन्होंने कहा कि इस जंगल में, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहां मिलेगा भगवान। तो उन्होंने कहा पूजा कैसे होगी फिर। जो जामवंत ने कहा एक पंडित मेरे ध्यान में है पर वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। बोले कौन? बोले पुलस्त्य मुनि का नाथी महारथी रावण, वो शिव का भक्त है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए। सोचिए जिसको हराने जा रहे हैं उससे पूजा। राम ने जामवंत से कहा कि महाराज पूछ के तो आइए, अगर महापंडित रावण आज्ञा दे दें इस यज्ञ के लिए तो मैं कर लूं। रावण को पता चला कि जामवंत बुलाने आए हैं। रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे ही दादा जामवंत आए कोई उनसे प्रश्न ना करे, उन्हें बस महल का मार्ग दिखा दे हाथ जोड़ के, सब चरण छुए। जामवंत पहुंचे रावण किले के द्वार पर, चरण छूने आया, कहा कि पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। जामवंत ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी अतिथि सेवा देखकर। बिठाया, पूछा कैसे आए हैं। जामवंत ने कहा मैं एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूं, एक मेरे साथ दो जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं युद्ध शुरू करने के लिए। उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो शैव भी हो और वैष्णव भी, तुमसे अधिक गुणी व्यक्ति तो पृथ्वी पर नहीं है, क्या उनका पुरोहित बन सकोगे? क्या पूछा रावण ने, पहला क्या करैक्टर है, वाह। रावण ने कहा जहां तक मुझे सूचना है आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है? जामवंत ने कहा हां दशरथ, वे ही दोनों हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने हां ना नहीं करी, फिर बोला क्या उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है? जामवंत ने कहा हां उनका यही उद्देश्य है, क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने कहा मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ कराऊंगा। जामवंत ने कहा कि क्या मुहूर्त निकला। उसने नवग्रहों को बुलाया, बोले इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। वो तो अपने ही हाथ में था, तू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तू फुल कैबिनेट, बता कितने बजे। बोले जी सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए। तो उसने कहा ठीक है 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा आचार्य, आचार्य हो गए अब तो रावण, आचार्य पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं? उसने कहा आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में हैं, अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेके आए, तो मैं लेके आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा बेटा अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूं, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है, कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा, लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है, पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है। सुबह यही हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई, बालुका की मृत्यु से
एक विग्रह बनाया राम ने अपने ओजस्वी हाथों से। राम आजान बाहु हैं, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। महाराणा कुंभा वे भी आजान बाहु थे। कभी कुंभलगढ़ के किले में जाइए, 3 फीट का शिवलिंग है, नीचे बैठ के अपने ही हाथ से लोटे से रुद्राभिषेक करते थे बिना उठे। वे भी सूर्यवंशी थे, राम आजान बाहु थे। उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार करा, धोती पहने हुए, तलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम करा, आचार्य मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। ओम गणपति गंगावाय। अब ये कि पत्नी कहां से आए, आचार्य ने पूछा राम से, मेरे यजमान विवाहित है? राम ने कहा, हाँ आचार्य मैं विवाहित हूं। अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि वो आपके पार्श्व में आकर बैठे। राम ने कहा, आचार्य मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत ने कहा, आचार्य पूजा कैसे होगी? बोले, पिता में मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर सामग्री किसी भी तरह की पूरी ना हो, कोई व्यवस्था पूरी ना हो, तो आचार्य का धर्म है कि वो पूरी व्यवस्था बना के लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। अपहरण गई हुई मां हमारी जगत जननी भारतेश्वरी पार्श्व में बैठी। पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूं कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण ये पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें, मैं आशीर्वाद देता हूं। हमारे गांव में गीत गाया जाता था, बना पुरोहित रामचंद्र का जय का वर दे आया। जब चलने लगे तो राम ने पूछा, बोले आचार्य दक्षिणा? तो आचार्य हंसा, बोला त्रैलोक्य की संपदा आपके आचार्य के पास है, कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा मेरा यजमान? तो राम ने कहा कि मैं रघुवंशी हूं, दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा, आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम ने कहा, उस समय में देने योग्य बचा या ना बचा, आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने दक्षिणा मांगी, उस पर रावण को भी राम की तरफ से प्रेम भेजा जा सकता है। आचार्य ने कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि आचार्य का जब अंतिम समय आए तब दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। एक अंतर समझ लेना राम और रावण में, आप ढूंढना आपके अंदर रावण है कि राम है। राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंच कन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की पंच कन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है नीचे निश्चेष्ट, उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा, वो कहां गया जिसने इसे मारा? लोगों ने कहा, वहां बैठा समुद्र के किनारे, शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है, और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए कि इतना रक्तपात क्यों हुआ, दुखी है राम लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, कमांडो खड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन देखा कि माता मंदोदरी आ रही है तो पुलिस वाले हट गए, वानर हट गए, पीछे से पहुंची। चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलट कर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था,
ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा, फिर किस लिए आई मां? मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़ के नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि मां, आपको पता चला क्या है? बोले, हां पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा, क्या अंतर है? बोले, राम एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उसमें तुझमें अंतर है।